अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम टॉपिक 3 शुरू करते हैं, यानी लेक्चर 3 शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग वीडियो का। लेक्चर 2 में हमने जो है बेसिकली डेटा कनेक्ट किया था एक्सेल फाइल का, और ये हमारे पास एक्सेल फाइल थी, इसको हमने जो है वो पावर बी आई के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ तक हमने देखा था। अच्छा, एक ड्यूरिंग जो है एक सवाल आया कि जो ये इस तरह के वैल्यूज़ होती हैं जिसे हम बाई डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, तो वो पावर बी आई ऑटोमेटिकली जो है ना उसे सम में कन्वर्ट कर देता है, जबकि हमें जो है पता है डेट की सम नहीं होगी, क्योंकि की है और की जो है एक जॉइन लगेगा, रिलेशन लगेगा। आज भी हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो जॉइंट्स पे ही है, तो इसलिए इसको ज़रा गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्रीगेशन लग गई, ये जो साइन होता है ना समेशन का, समेशन साइन, ये एग्रीगेशन होती है, तो एग्रीगेशन अप्लाई हो गई है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप जाके इसको डू नॉट समराइज़ कर दें यहाँ से और ये कर देगा। सवाल ये था कि इस तरह करेंगे बारी बारी तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, टाइम लगता है, लेकिन ये एक टेक्निक है। जैसे कि मैं इसको क्या करूँगा, मॉडल व्यू में आऊँगा, मॉडल व्यू भी मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसमें कंट्रोल की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से और दबा के रखनी है कंट्रोल की, और जो जो कॉलम आपको चाहिए जिनको आपने चेंज करना है उनको आप जो है ना कंट्रोल की दबा के जो है वो सिलेक्ट रखें। और यहाँ पे भी ये इस साइड पे भी ये चीज़ें आ रही हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं, और इस साइड पे भी आ रही हैं। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ आ गए मॉडल व्यू में, इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, ठीक। स्क्रॉल डाउन करके आप जो है एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे समराइज बाय है, इसको आप नन कर देंगे। तो ये क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एकदम से आपके जो कॉलम्स हैं आपको बारी बारी एक कॉलम नहीं करना पड़ेगा, मल्टीपल कॉलम आपके एक साथ हो जाएंगे, तो ये टाइम आपका बच जाएगा। अगर मैं वापस जाऊँ और ये देखूँ तो ये सारे कॉलम जो है पहले समेशन के साथ आ रहे थे, अब ये डू नॉट समराइज में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक छोटी सी टेक्निक थी जो कंटिन्यूशन ऑफ हमारा पार्ट जो है 2 का था। अच्छा, पार्ट 3 में बेसिकली हमें जॉइन लगाने हैं, रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि जब तक हम रिलेशंस नहीं बनाएंगे हमारे पास डेटा जो है वो सही फॉर्मेट में नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जॉइन बनाने के लिए लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं एक विजुलाइजेशन बनाता हूँ, ठीक है। विजुलाइजेशन या टेबल, एक यहाँ पे ये विजुलाइजेशन के पेन है, डिफरेंट टाइप ऑफ विजुलाइजेशन है, स्टैक बार, कॉलम चार्ट। अच्छा, मैं थोड़ा बता दूँ, विजुलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ना वो बार्स यूज़ होते हैं, फिर लाइन चार्ट यूज़ होती हैं, लाइन यूज़ होती हैं, ठीक है, फिर डोनट या पाई चार्ट यूज़ होता है। लेकिन पाई चार्ट कहाँ यूज़ करना चाहिए या डोनट कहाँ यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा ग्रुपिंग ना हो डेटा की। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और उन 4 सूबों की क्या प्रोग्रेस है सेल्स की, तो वो तो सही है। लेकिन अगर इंडिया को ले लें, इंडिया के जैसे 50 प्लस स्टेट्स हैं या अमेरिका की 50 प्लस स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप पाई चार्ट दिखाएंगे तो ये यकीन करें क्लटर हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो पाई चार्ट वहाँ यूज़ करें जहाँ पे कम ग्रुपिंग हो, वहाँ पे यूज़ करें। हाउएवर, आपको ये चीज़ें विजुलाइजेशन में ख्याल रखनी पड़ती हैं कि आपका डेटा ऐसा हो जो एक आम बंदे को समझ आ जाए देखते हुए ग्राफ से और चार्ट से, और यही फ़ायदा है चार्ट का। वरना अदरवाइज़ हम टेबलर फॉर्म, जो कि टेबल कहलाता है, टेबलर फॉर्म में डेटा दिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल होता है और वो मैनेजमेंट या टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए उसको डिटेल में जाके समझना पड़ता है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि हमें डैशबोर्ड का जो मकसद होता है, डैशबोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, डैशबोर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक ऐसा क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो डैशबोर्ड देखते हुए अंदाज़ा लगा ले कि उसका कंपनी की प्रोग्रेस कहाँ है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्रिकेट देखते हैं या स्पोर्ट्स में एक्टिविटी लेते हैं, तो स्पोर्ट्स में एक अक्सर एक चार्ट बनाता है कि भाई 50 ओवर्स में फलां टीम ने इतने स्कोर किया और ये एक लाइन ग्राफ बनी आती है, ठीक है, और वो प्रोग्रेस कर रही होती है कि फॉर एग्जाम्पल 50 ओवर्स में एक टीम ने 250 रन किए और ओवर 10 पे एक विकेट गिरी, ओवर 15 पे एक विकेट फॉल हुई, तो वो सारे बने हुए आते हैं। और उसके कंपैरिजन में दूसरी टीम जो चेस कर रही होती है वो फॉर एग्जाम्पल रेड कलर में या ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में उसको फॉलो कर रही होती है, अब वो बता रही, तो आपको प्रोग्रेस पता चलता रहता है, ट्रेंड पता चलता रहता है कि ये ट्रेंड क्या है और ये टीम जो चेस करने वाली टीम है क्या ये
उस ट्रेंड को अचीव करेगी या नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको चार्ट जो है ना वो इस तरह की विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन देती है, क्विक इन्फॉर्मेशन देती है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बताया था कि अब हमें जो है ना रिलेशंस बना रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास है। डेटा में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास चार टेबल्स हैं या चार डेटा सेट आ गए हैं, प्रोडक्ट का, इंटरनेट सेल्स का, प्रोडक्ट का रिलेशन सेल्स से है, डेट का रिलेशन सेल्स से है, कस्टमर का रिलेशन सेल्स से है, और सेल्स जो है हमारा मेन सेंट्रल फोकस फोकल पॉइंट है। हमें ये देखना चाहते हैं कि हर साल कितनी सेल्स हुई। और अभी अगर हम ये विजुलाइजेशन, जैसे मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉप किया था, उसको बनाएं और देखें, तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कैलेंडर ईयर ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डेट आ जाएगी। इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप जब इसको सिलेक्ट कर लें पहले और फिर आप कैलेंडर ईयर पर क्लिक करें, तो इस विजिट में या इसी उसमें जो है ना विजुअल में वो काम हो जाएगा। और ये जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, आप देखें ये कॉलम यहाँ पे भी आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए। अच्छा, इस कॉलम को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको अनसेलेक्ट कर दिया और फिर इसको ड्रैग करके भी डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, मुझे ज़रा ये अच्छा लगता है, शॉर्टकट लगता है कि क्लिक करता हूँ और जैसे यहाँ पर आ जाता है, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे देखनी है सेल्स अमाउंट। अब मुझे पता है मेरी जो सेल्स अमाउंट है, वो सेल्स अमाउंट जो है वो मेरे पास सेल्स के अंदर है, और ये एग्रीगेट फंक्शन है, ये मेजर कहलाता है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये सम करके लाएगी, यानी 2005-2006 की टोटल सेल्स मुझे दिखाए कितनी है। अभी याद रखें मैंने रिलेशन नहीं बनाया, और मैं सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, सेल्स यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ सारी वैल्यू रिपीट हो रही है। मुझे नहीं लगता ये वैल्यू सही आ रही है, 2005 में भी वही वैल्यू आ रही है, 2006 में भी वैल्यू आ रही है, और ओवरऑल वैल्यू भी वही दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अभी रिलेशनशिप नहीं बनाया। रिलेशनशिप अगर बनाते तो ये प्रॉपर तरीके से होता है। अच्छा, इस चीज़ को हम एक्सेल में भी देखते हैं साथ साथ, क्योंकि मकसद ये है कि आपको डेटा एनालिटिक्स सिखाना है यूजिंग पावर बीआई, बट एक्सेल में आपको डेटा को वेरीफाई करना आना चाहिए। अब जैसे ये हमारे पास ये है ऑर्डर डेट, हमने इस पे काम किया, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, ऑर्डर डेट पे काम किया, ठीक है। अब मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ उसमें, फॉर एग्जांपल इसमें एयर निकालता हूँ, मैं कहता हूँ एयर कैलकुलेट करो। अच्छा, एयर का तरीका एक तो ये है कि मेरे पास वी लुकअप लगा के मैं डेट में जाके ज्वाइन लगा लूँ, ठीक है, जो कि मैं करता हूँ, यही काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने इक्वल टू लिखा वी लुकअप, वी लुकअप एक फंक्शन है एक्सेल का, ठीक, और उसके ज़रिए मैं किया यहाँ पे वी लुकअप के बाद ये कॉलम सोर्स कॉलम सेलेक्ट किया, जो जिस कॉलम को आप देखना चाह रहे हैं, कॉमा, और कहाँ पे आपका वो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपका ये है टेबल स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं टेबल एरे। और एरे के हमने सेलेक्ट करते रहे कैलेंडर ईयर तक चले गए, ठीक है, कैलेंडर ईयर तक हमने ले लिया, सही। और कैलेंडर ईयर को जब हमने लिया, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास जो आखिरी जो कॉलम है, इसका जो कॉलम का लेंथ क्या है, वो है 15, ठीक है। 15 कैसे है? दोबारा बताता हूँ, 1, 2C, 3C, 4C, ये देख रहे हैं साइड में आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, और ये 15 तक आ गया, ठीक, कॉमा 15 कॉमा 0, 0 का मतलब है फॉर ट्रू, ठीक। तो ये उसका एयर निकल गया, और ये हमें पता है कि ये जो पार्ट है ये एयर का पार्ट है, 2010 में से ये एयर का पार्ट है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर दूं तो ये पूरा फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक। तो एक तरह से मैंने एक्सेल में फार्मूला बनाया, इसको मैं शीट को सेव कर लेता हूँ, ठीक। अब हम विजुअलाइजेशन बनाने से पहले एक्सेल में देखते हैं कि हमारे पास जो सेल्स अमाउंट है, जो कॉलम है, उसको भी हम ले लेते हैं, और सेल्स अमाउंट हमारे पास ये कॉलम है, इसको भी कलर कर देता हूँ मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इन डेटा में काम करना है। अच्छा, बीच में कुछ कॉलम है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ, ताकि वो जो है मेरे पास ये एक विजुअलाइजेशन सामने आ जाए, ठीक। अब एक तरीका तो ये है कि मैं डेटा में जाऊँ, फिल्टर में जाऊँ, और एयर को फिल्टर कर दूँ, इसमें 2010 2011 12, 13, 14, 5 साल का डेटा आ रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हम जाएं, तो यहाँ पे 2005 का भी डेटा आ रहा है, 2006 का भी आ रहा है, और ये एक बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है। तो कैलेंडर ईयर
जो है वो ज़्यादा डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब है पावर बी आई हमें विजुअलाइजेशन सही नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, 2010 पे आता हूँ मैं, फ़िल्टर करता हूँ 2010 को फ़िल्टर किया और जो है वो सेल्स अमाउंट को देखना शुरू किया और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ मुझे सम भी दिखाए। तो मैंने क्योंकि लास्ट टाइम एवरेज और सम के फंक्शन बंद कर दिए थे, तो ये बनेगी इतनी सेल 43,221,000। तो ये जो सम है 43,421 बनेगा, लेकिन पावर बी आई में आए तो पावर बी आई में जो है 2010 का जो सम है वो बड़ा अजीब सा वेक सा है। तो इसको हम सही करने के लिए क्या आएंगे, पावर बी आई में आएंगे, रिलेशनशिप में आएंगे। अच्छा, पावर बी आई ने रिलेशनशिप जो है ना वो आपके लिए खुद से कुछ बना दिए हैं, ठीक है। जो कॉमन कीज़ है ना उन पे रिलेशनशिप इसने खुद बना लिए, लेकिन बेहतर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसको एक मरतबा रिव्यू ज़रूर कर ले करें, ठीक है। जैसे ये रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या है। ये रिलेशनशिप कहता है कि प्रोडक्ट की से रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है या मैनी टू वन है, यानी यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, इंटरनेट फ्रॉम सेल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और प्रोडक्ट के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो ये बिल्कुल सही रिलेशनशिप है, इसने सही बनाया है, ठीक है। रिलेशनशिप पे एक वीडियो और करेंगे, लेकिन अभी क्विकली थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल चीज़ें कर रहे हैं तो इसलिए इसको कन्फ्यूज ना हो, लेकिन ये समझना कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। विदाउट रिलेशनशिप आपकी विजुअलाइजेशन का डेटा सही नहीं आ सकता, इसे हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग पार्ट भी कहते हैं। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, ये भी एक कस्टमर के मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे, यानी एक कस्टमर बहुत सारी चीज़ें भेज सकता है, ख़रीद सकता है, बिल्कुल। इसी तरह वन टू मैनी टू वन का मतलब ये था कि एक प्रोडक्ट कई मरतबा बिक सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, तो कपड़े जो हैं कई लोग खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये दो हो गए। अच्छा, अब डेट का रिलेशन बनाना है। डेट का रिलेशनशिप इसने इसलिए नहीं पिक किया ऑटोमेटिकली कि डेट में हमारे पास डेट की तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेट की नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लम कर गई है और इसको जो है हमें यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने का एक ऑप्शन ये है कि आप मैनेज रिलेशनशिप में आ जाएं या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आ सकते हैं। तो मैं आइडियली यहाँ पे आता हूँ मैनेज रिलेशनशिप में, जिसमें मुझे सारे रिलेशनशिप नज़र आते हैं और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को, ठीक है। ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑटो डिटेक्ट में वही है कि कॉमन नेम जो है ना वो मैच होने चाहिए। और न्यू में आऊँगा, यहाँ पर मैंने आके डेट सेलेक्ट करी, ठीक है, और यहाँ पर आके सोर्स दूसरा डेस्टिनेशन टेबल सेलेक्ट किया। अब मुझे डेट की और ऑर्डर की का ज्वाइन करना, तो डेट पे क्लिक किया एंड ऑर्डर पे क्लिक किया, तो ये रिलेशनशिप मेरा बन गया वन टू मैनी। का मतलब है यहाँ पे एक रिकॉर्ड होगा और एक दिन में कई ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो वन टू मैनी, वन इधर मैनी इधर, ठीक। क्योंकि ये हमारा ट्रांजैक्शन टेबल है तो ये ख्याल रखिएगा ट्रांजैक्शन टेबल किधर है। अगर ये ऊपर है तो मैनी टू वन होगा, और अगर ये जिस तरह अभी नीचे है तो ये वन टू मैनी होगा। इसमें और भी रिलेशन है, सिंगल, बोथ, इसको हम बाद में देखेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो ये तुम्हारे पास डेट का रिलेशनशिप आ गया। अब मैं क्लोज करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा और ये एप्लीकेशन इसकी बन गई है। अब मैं जाता हूँ और इसको थोड़े देर के लिए सेव कर लेते हैं, इसको सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखें 2010 में 43,421, ठीक है। इसी तरह जो है वो 2013 में 16,000, तो टोटल सम आ गया 29,35,000 समथिंग लाइक डेट आ गया, ठीक है। तो इसका जो रिलेशनशिप है उसने डेटा की एक तरह से ऑथेंटिसिटी आ गई, और ये जो मैंने काम एक्सेल में किया था ये बेसिकली डेटा वैलिडेशन कहलाता है। इसको एक और सिनेरियो को देख लेते हैं, 2014 को वेरीफाई करते हैं। मैंने फ़िल्टर में किया, 2014 लिया और इसमें जो आ रहा है 45694.72, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ we can make a relationship, और इस relationship से फ़ायदा ये हुआ कि अब
ये सारे मॉडल पे अप्लाई हो गया। यानी हमने यहाँ पे डेटा मॉडल मॉडल व्यू में आके पूरी एक डेटा मॉडलिंग कर ली। इसे हम कहते हैं स्टार स्कीमा। क्यों कहते हैं इसे स्टार स्कीमा? कि अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा मेन एक टेबल है, फैक्ट टेबल जिसे कहते हैं, और इसके आगे पीछे ये हमारे डायमेंशन है, डीसी डायमेंशन, और ये स्टार से बन रहा है। यानी बीच में एक सेंट्रलाइज टेबल है और ये जो है इसके डायमेंशन है, तो सिंगल रिलेशन है आपस में सबका। कोई ऐसा नहीं है ये डायमेंशन इससे बात कर रही हो, ये कस्टमर इससे बात कर रहा हो, कस्टमर बात करेगा इसके थ्रू इससे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करंट जो टेबल है, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, वैल्यूज़ में नज़र आ जाए। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसी चार्ट में। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये चार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, चार्ट में कन्वर्ट हुआ और ये चार्ट में वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसमें माउस ओवर लेके आऊँ तो ये वो वैल्यू दिखा रहा है। अच्छा, ये क्योंकि इसकी सेल्स बहुत कम थी, तो इससे हमें ये विजुअली पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल्स किस मंथ किस ईयर में हुई, विच इज़ 2013 में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हमारे पास। उससे उसके बाद 2011 में हुई, 2014 में हुई, 2012 में हुई, और 2014 और 10 में काफ़ी कम सेल्स हुई। अच्छा, इस विजुअलाइजेशन के पे थोड़ा सा अगली वीडियो में हम देखेंगे इस विजुअलाइजेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। लेकिन इस अभी जो आज का ट्यूटोरियल है या आज का जो वो है वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में है। तो रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे आउटसाइड क्लिक करते हैं या एक नया पेज बनाता हूँ। न्यू पेज पे क्लिक किया, पेज नंबर 2 खुल गया, और इस पे मैं ये लाइन चार्ट ले लेता हूँ। और लाइन चार्ट में मैं कहता हूँ मुझे मंथ वाइज जो है ना वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मंथ मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे रखे हुए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश मंथ है। मैं इसको लाइन चार्ट में, अच्छा लाइन चार्ट में जब क्लिक किया तो एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे मैं ले लेता हूँ वही मेजर ले लेता हूँ। सेल्स अमाउंट भी ले सकता हूँ, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया लाइन चार्ट। अच्छा, लाइन चार्ट में बता रही है कि ये हमारा ट्रेंड गिर रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है, फरवरी जनवरी अप्रैल, ठीक। इसकी सॉर्टिंग पे भी हम आते हैं बाद में, अभी जस्ट जो है आपको ये बताना है कि ये चार्ट कैसे बन रहा है। अच्छा, अब ये चार्ट अब मैंने लिया चार्ट जो है मंथ वाइज, लेकिन इसमें इसमें तो बहुत सारे साल भी आ रहे हैं। दिसंबर का जो है दिसंबर 2014 में भी होगा जैसे कि डेटा कह रहा है, दिसंबर 2010 में भी होगा, 11 में भी होगा। तो हमें कुछ ना फिल्टर अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम फिल्टर ले लेते हैं स्लाइसर। ये स्लाइसर हमने क्लिक किया, स्लाइसर इज़ वर्क लाइक अ फिल्टर। और यहाँ पे मैं अगर कहूँ ऑर्डर ईयर, कैलेंडर ईयर ले लेते हैं। अच्छा, कैलेंडर ईयर हमारे पास इस फॉर्म में आ गया डिफ़ॉल्ट में। यहाँ से हम चाहें तो कह सकते हैं कि मुझे 2005 से नहीं, मुझे 2012 से डेटा चाहिए। तो ये देखेंगे आपने वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज़ की चेंज हो गई। 2014 का मैं ले लेता हूँ एक साल का, तो ये जो है उसमें सिर्फ जनवरी का डेटा था, ठीक। 2013 ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो फिल्टर जो है वो इस तरह भी बन सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, फ़िल्टर मेरे पास जो है ना वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन सूरत में आए। ड्रॉप डाउन सूरत से मेरी आती है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेट योर विजुलाइजेशन। यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे हम बता देंगे कि हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। डिफरेंट ऑप्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कवर करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी वीडियो बनाएंगे एक एक विजिट की या एक एक चार्ट की, उसको देखेंगे थोड़ा सा ताकि आपको याद भी रहे और प्रैक्टिस भी करते रहे। ड्रॉप डाउन में आ गए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ ताकि वो आ जाए, और इसको थोड़ा सा, यूजली क्या होता है कि जो हमारे फिल्टर्स होते हैं वो ऊपर आते हैं या लेफ़्ट साइड पे आते हैं, राइट साइड पे आते हैं, नीचे यूजली नहीं देते। अच्छा, इसमें एक जस्ट टिप दे दूँ मैं, इंसानी जो जहन है ना, ब्रेन है, वो कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इंसानी जो ब्रेन है ना, इंफॉर्मेशन को टॉप टू बॉटम प्रोसेस करता है, टॉप लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से शुरू करता है रीड करना और फिर यूं करता है और फिर यहाँ तक जाता है, ठीक। तो बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है, और ख़ासतौर पर ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़्यादातर इग्नोर हो रही होती है, तो यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो बहुत कम देखनी होती है, ठीक है।
लेकिन जगह इसे कहते हैं रियल स्टेट, लेकिन रियल स्टेट को आपने ज़ाया नहीं करना। अच्छा, ये फ़िल्टर मैंने अप्लाई किया अब 2010, ये ड्रॉप डाउन फॉर्म में आ गया। अब 2010 में सिर्फ दिसंबर का था, इसीलिए ड्रॉप सेल्स उसकी बड़ी गिरी हुई थी। यहाँ पे देखे ना, तो ये सेल बड़ी गिरी हुई थी। 2014 में जनवरी था। हाँ, बाकी जो पूरे हैं उनमें लग रहा है कि हमारे पास डेटा काफ़ी मंथ का होगा। तो नीचे आता हूँ, 2013, अच्छा इनमें डेटा काफ़ी सही है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है हम बना सकते हैं विजुलाइजेशन। एक और विजुलाइजेशन में मैं आता हूँ, विजुलाइजेशन को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया था स्पेस के लिए। एक और मैं स्लाइसर लेता हूँ, स्लाइसर को लिया और यहाँ पे मैं अब जो है वो लेता हूँ इंग्लिश मंथ नेम। ठीक है, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली मल्टी सिलेक्शन उसमें आ गया। ठीक, कि अगस्त सितंबर, अच्छा ये कंट्रोल प्रेस करके आपने होल्ड की करके आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके आपने होल्ड की प्रेस करना है, अदरवाइज आप खाली सिंगल क्लिक करेंगे तो ये एक फंक्शन है। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और ये कर रहा हूँ तो ये मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। तो ये आपकी विजुलाइजेशन हो रही है और ये आपका डेटा दिखा रहा है। एक क्विक पॉइंट और मैं ऐड कर दूँ, वीडियो वैसे लंबी हो गई है लेकिन ये कि प्रैक्टिस आप इसको रोक के दोबारा देख लीजिएगा, कर लेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेटा लेबल्स भी आए, ठीक है, पता चले कि ये क्या हो रहा है, ये क्या वैल्यूज़ हैं, तो आप जो है डेटा लेबल्स यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टीज़ में आके, ये हर विजिट की अलग प्रॉपर्टीज़ है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, इस पर क्लिक किया तो ये चेंज हो गई, इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होगी अकॉर्डिंगली जो उसकी विजुअल की प्रॉपर्टीज़ है उसके मुताबिक। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आऊँ, डेटा लेबल्स मैंने ऑन कर दी तो यहाँ हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँ और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँ और डेटा लेबल को ऑन कर दूँ, तो ये देखिए मेरे पर डेटा लेबल भी ऑन हो गया। ये मिलियंस में बता रहा है इसलिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं मिलियंस में नहीं थी, दैट्स वाई मैंने टेबल यूज़ किया था शुरू में। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसको कॉपी कर देता हूँ विजिट को, और इसीलिए मैं इसको आपको जो है ना पहले टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो टेबल फॉर्मेट में ये फ़ायदा होता है कि वो मिलियंस में नहीं जाता, उसमें इस तरह के डेटा लेबल्स का कोई विजुअल या प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो वैल्यूज़ को मैनेज कर लेता है। आप इसमें बता सकते हैं वैल्यूज़ आपको किस तरह चाहिए, टोटल कॉलम किस तरह चाहिए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बनाएं। आपको अगर रिलेशनशिप बनाना आ गए, समझे आपने 70% डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स का काम कर लिया। अच्छा, एक्सेल में ये डेटा एनालिटिक्स हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें इस तरह, या तो हम रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। अब मुझे अगर सपोज मंथ वाइज देखना है तो मेरे लिए कितना मुश्किल काम है, मैं मंथ का भी इससे ज़्यादा कॉलम बनाऊँगा, फिर मैं चाहूँगा नहीं मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल स्पेनिश में नाम चाहिए तो मैं क्या स्पेनिश भी लेके आऊँगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो पावर बी आई इस तरह की चीज़ों को रिजॉल्व करता है। यही फ़र्क है कि लोग एक्सेल से डेटा एनालिटिक्स मूव करके पावर बी आई में आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर द टूडे। और जो क्वेश्चन हो कमेंट्स में मुझे लिख दिएगा, आई विल आंसर इट। जैसे मुझे अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो है हम मल्टीपल सेलेक्ट कैसे करें, तो आई होप कि मैंने वो आंसर कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर।